हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आल्सो योर हैप्पी फैमिली डियर स्टूडेंट्स वन स्टेम अगेन यू आर मोस्ट वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन बाय एके डियर स्टूडेंट्स टुडे आई शैल टीच यू द नेक्स्ट टॉपिक दैट पैसिव वॉयस ऑफ पास्ट इनडिफिनिट टेंस अर्थात हमने आपको प्रजेंट का पूरा पढ़ा दिया प्रजेंट इन का पैसिव वॉयस प्रजेंट कंटिन्यूअस का पैसे वास और प्रजेंट परफेक्ट का और नियमता कान मतलब कि रूल से प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसे वास नहीं बनता है अगर आप चाहें तो बना सकते हैं आई एन जी को बिंग बदल दीजिए हाई जेब को हाई में बदल दीजिए हो सकता है बट वो लीगल रूल नहीं है तो अब हम सीधे एंट्री मारते हैं पास्ट टेंस पर किस पर पास्ट टेंस तो अब सभी लोग अपना कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और आपसे मेरा दरख्वास्त है कि पहले एक बार पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा उसके बाद कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा और फ्रेश नोट्स बनाते हुए चलिएगा और हाँ इस संडे को टेस्ट होगा और होगा हम बोल दे रहे हैं सभी लोग पूरे टेंस का तैयारी कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा सत्तर नंबर का टेस्ट होगा और नब्बे मिनट का टाइम रहेगा और वही व्हाट्सएप के थ्रू आपका टेस्ट लिया जाएगा जो नए बच्चे अगर टेस्ट देना चाहेंगे उनको भी मोस्ट वेलकम है आप अपना नंबर दे करके अपना ग्रुप में नंबर ऐड कर लीजिएगा ओके थैंक यू तो देखिए पास पैसी वॉइस का सबसे पहले इंडेफिनिट का हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं किसकी बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन उसके पहचान की तो इसका पहचान बोलता है कि जिस अंग्रेजी वाक्य में कैसे वाक्य की हम बात कर रहे हैं उर्दू फारसी की बात नहीं कर रहे हैं हमTalking about the English sentence कैसा इंग्लिश तो जिस अंग्रेजी वाक्य में सहायक क्रिया के रूप में डिड लगा हो सबसे पहला बात सहायक क्रिया के रूप में क्या लगा हो हो एवं मुख्य क्रिया के एवं मुख्य किया गया हो या मुख्य क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग किया गया ये आपको ध्यान देना पड़ेगा भी का प्रयोग किया गया हो अथवा सहायक क्रिया डिड रहने पर मुख्य क्रिया के पहले रूप का प्रयोग किया इसमें तीन तीन कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है एक भी टू दूसरा भीवन और भीवन रहेगा तो यकीनन डिड भी जरूर रहेगा तो आप वैसे चाहे तो डिड और भी टू को देख करके पहचान पाँचा, सकते हैं कि अगर भी टू रहे तो पास्ट इंडिफिनिट डिड रहे तो पास्ट इंडेफिनिट तो अब बोलिए पहचान में कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम थैंक यू अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स करके दिखाते हैं लिख करके जैसे दे डिड नॉट प्ले बॉल यहाँ पर डिड है और यहाँ पर क्रिया का पहला आप अंग्रेजी पढ़िए तो भाई दो चीज़ पर एकदम कमांड रखिए जैसे आपके इंसान की दो आंख सबसे इंपॉर्टेंट होता है वैसे ही दो गो वर्ड एक सहायक क्रिया एक मुख्य क्रिया हमेशा जबान पर रखिए तो सहायक क्रिया डिड और मुख्य क्रिया भी वन आई शाह यहाँ पर जो क्रिया है वो दूसरे फॉर्म में है किसमें है सेकेंड फॉर्म में है आई न्यू यू यहां पर जो नो है वो भी टू न्यू है ये भी टू है उसके बाद ये डिड आप बताइए यहाँ पर डिड क्या है यहाँ पर डिड सहायक क्रिया के मुख्य क्रिया है अरे सर तो सहायक क्रिया है अरे भाई उससे भी आगे बढ़िए ये डू का भी टू है डू का क्या है भिटू है आई डिड दिस मैंने इसे किया है मैंने इसे किया है आई डिड दिस यहाँ पर नहीं मैंने इसे किया मैंने इसे किया, मैंने इसे किया पास्ट टेंस आई डिड दिस तो ये है पास्ट इंडिफिनिट का पहचान कि अगर सेंटेंस में डिड लगा हो मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लगा हो या डिड के साथ भीवन का प्रयोग किया गया हो तो जब भी ऐसा बात होगा तो हम उसको लिखेंगे पास्ट इंडिफ़िनिट mm -hmm. तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन बोलिए कोई दिक्कत एक बताओ अभी से दिमाग में नोट कर लीजिए क्या डिड चेंज इन टू वाज या वेयर जब भी अगर आपको एक्टिव वॉइस में डीड का प्रयोग किया गया हो तो जब भी हम उसका पैसि वॉइस बनाएंगे तो डीड के बदले में वाज या वेयर लिखेंगे क्या लिखेंगे वाज या वेयर कब जब डीड को हटाएंगे तब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तब जैसे हम पहले बताए थे कि अगर डू या डस रहे तो इज एम आर लिखते हैं ठीक उसी तरह से डिड रहे तो वाज या बीयर फर्स्ट पर्सन का कर्ता आई और सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन ही सी इट के साथ और कोई भी सिंगुलर नेम के साथ वाज बाकी के साथ रिया आई के साथ भी वाज लगता है बोलिए आपको दिक्कत अब हम लोग बढ़ते हैं सर इसका पैसिव वाज बनाएंगे कैसे अब आपके मन में एक ही क्वेश्चन गुंजरा कि सर हम लोग पहचान गए अब, अब इससे इस कहीं भी रहेंगे पास्ट इंडिपेड का सेंटेंस कौन को कोना में लुक रहेगा चुन्नी पकड़ेंगे लाग देंगे बाहर चल हाई ये तुम हो ठीक मतलब आइडेंटिफाई कर लेना है ठीक अब क्योंकि जब जब आप पहचानिएगा तो आगे एक्टिविटी कैसे करिएगा आपको मान लीजिए जाना है पढ़ने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको पता नहीं कि केमिस्ट्री का कोचिंग है कि फिजिक्स का है कि मैथ का है तो क्या कौन में जाकर पढ़ लीजिएगा इसलिए पहले आपको आइडेंटिफाई उसके बाद एक्टिविटी ओके थैंक यू तो हम रूल में पढ़ते हैं किसका अफर्मेटिव का किसका अफर्मेटिव का अगर सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में दिया गया हो और पास्ट इंडिफिनिट का विशेष रूप से अगर अफर्मेटिव हो तो इसका हम पैसिश कैसे बनाएंगे अगर अफर्मेटिव हो तो इसका हम पैसे वॉश कैसे बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जब इसमें डिड का प्रयोग किया गया हो तो पास्ट डिफिनेट है हम डीड को चेंज कर देंगे वाजियावेयर में और ये तो आप जानते हैं सरकारी नियम के तहत कि भैया कुछ भी हो जाए मुख्य क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में ही रहेगा ये उसका सिद्धांत है ये क्या है सिद्धांत जैसे पानी का जल का जल का सिद्धांत क्या है कि जल जो भी हो हमेशा लिक्विड अवस्था में ही रहेगा जल हमेशा द्रव की अवस्था में रहेगा यह इसका सिद्धांत है यह अपने क्वालिटी को नहीं खो सकता है आग का सिद्धांत है कि आग पर को बैठेगा तो हिसाब किताब क्लियर कर देगा हिसाब किताब क्लियर कर यह आग का सिद्धांत है ठीक उसी तरह से विद्यार्थियों का भी सिद्धांत हमारे बोर्ड का भी सिद्धांत होना चाहिए और वह क्या कि जो बच्चा नहीं पढ़ेगा फेल होगा इसलिए डीड पास्ट इंडिफिनेटली और इसमें क्या लगेगा हमेशा सिद्धांत के तौर पर मुख्य क्रिया का तीसरा रूप जैसे एक सेंटेंस दिया गया हो आई डिड वर्क ऑन द टाइम ये आपका सेंटेंस है ये आपका सेंटेंस है आई डिड दिस वर्क ऑन द टाइम मैंने इस काम को किया ऑन द टाइम किस चीज पर समय पर मैंने इस काम को समय पर किया पास्ट इन पॉस्ट इंड करता था मैं इस काम को समय पर करता था तो बनाएंगे पैसे वर्ष रूल को देखते हैं सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट क्या है न्यू सब्जेक्ट दिस वन सबसे पहले प्रेम से लिख लेंगे दिस वर्क बोलिए कोई दिक्कत उसके बाद बोलता है कि सहायक क्रिया वाच या वेयर लेकिन ये वाचवेयर किसके अनुसार तो नए कर्ता के अनुसार नया कर्ता दिस वर्क सिंगुलर है इसलिए हम लिखेंगे वाज क्या लिखेंगे वाज अगर यहां पर डू या डज होता तो हम लिखते इज क्या लिखते इज दिस वर्क वाज डिड का भी हो जाएगा डन जो रूल में बोल रहा है भिथरी और ये मत समझिए कि सर साहब के लिए नहीं दिस इज द मेन वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो इसमें नोट या प्रश्नवाचक वाक्य जरूर होता ओके दिस वर्क वाज डन ऑन द टाइम बाई मी बोलो बोलिए कोई दिक्कत ये स्ट्रक्चर बोल रहा है न्यू सब्जेक्ट उसके बाद वाजिया वे यार उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप उसके बाद आदर वर्ड आप इसमें सस्पेंस में होंगे डाउट में होंगे कि क्या सर हम लोग आदर वर्ड ऑन द टाइम को बाई मी के बाद नहीं लिख सकते हैं तो शौक से लिख सकते हैं इसमें घबराने कोई जरूरत नहीं है अर्थात दिस वर्क वाज डन बाय मी ऑन द टाइम और उसके बाद ये हो गया बाय और ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव के हनुमान जी पहाड़ पर से नहीं आया है कहां से आया है हमारा न्यू सब्जेक्ट आई से है। तो अब बोलिए अब तो बन जाएगा अफर्मेटिव अब तो समझ चुके होंगे कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए आई सा हिम इसका हो जाएगा हिम का ही He was seen. He was seen by me. ही वॉज सीन ही वाज सीन बाई मे अगर ये होता कि एनी बडी पीपुल पब्लिक तो एनी बडी पीपुल पब्लिक का ऐसे शब्दों को हम बाई के बाद नहीं लिखते कट कर देते छोड़ देते जैसे पीपुल हेल्प हिम वाले कोई एग्जाम्पल पूछ देगा क्या एग्जाम्पल कोई पूछ देगा पीपुल हेल्प हिम लोगों ने उसका मदद किया है पुल हेल्प हिम इसका बस आंसर हो जाएगा ही वाज हेल्प ही हेल्प अब बोलिए अब एकदम सर से एकदम सर, सर क्लियर हो गया ओके okay? ऐसा आपको जरूर लग रहा होगा थैंक यू और एग्जाम्पल आई हेल्पड हिम देर एक बात आपसे क्वेश्चन पूछते आप बताइए था यहां पर हेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता है बहुत कम किस्म क्योंकि जो टाइमिंग है हेल्प है वो अक्सर पास्ट टाइम को देखिए यही बात है कि नारियसन हम लोग हियर को देयर करते हैं दिस को दैट करते हैं और टूडे को दैट डे करते हैं आज का दिन उस दिन का बात मतलब पास्ट है बीता हुआ इसलिए हम अक्सर यहाँ पर देयर का सहारा लेते हैं आई हेल्प हिम देयर मैंने उसका वहां मदद किया ही He देयर वह वहां मेरे द्वारा मदद किया जाता था वह वहां मेरे द्वारा मदद किया गया तो अब बोलिए अफर्मेटिव का अब तो बन जाएगा कोई दिक्कत और नेगेटिव तो आपको हम बार बताएं नेगेटिव मतलब क्या आपको चश्मा लगा दीजिए ना कहाँ पर, पर उसके नाक पर खत्म जहाँ उसका जगह वहाँ पर नोट लगा दीजिए बाकी खेल तमाशा तो सेम जैसे आई डिड नॉट नेगेटिव यही ना होता आई डिड नॉट दिस वर्क ऑन द टाइम आई डिड नॉट दिस वर्क ऑन द टाइम तो इसका हो जाएगा दिस वर्क वाज नॉट क्या हो जाएगा बोलिए क्या कोई दिक्कत है सो सिंपल दिस वर्क वाज नॉट डन ऑन द टाइम बाय मी हमने क्या किया नॉट को वाज या बाद लगा दिया दैट्स लास्ट तो आपको भी यही काम करना है कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं उठाना है दशरथ मांझी की तरफ पहाड़ नहीं तोड़ना है छोटा सा काम करना है ठीक जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं क्या बोल रहा है सबसे पहले न्यूज सब्जेक्ट उसके बाद वाजिया वे यार कर्ता के अनुसार नए सब्जेक्ट के अनुसार उसके बाद नोट लगा देना है उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप उसके बाद अदर वर्ड लिख देंगे उसके बाद बाई लिख देंगे और लास्ट में जो हमारा कर्ता दिया है इसका ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे जैसे एग्जाम्पल एक, एक और देख लीजिए वी आपका सेंटेंस दिया है वी डिड नॉट प्ले बॉल इन द मॉर्निंग सेंटेंस है वी डिड नॉट प्ले बॉल इन द मॉर्निंग यहां पर जो बॉल है वो ऑब्जेक्ट है जो बॉल है वो क्या है ऑब्जेक्ट है तो हम बॉल से स्टार्ट करेंगे हमारा नया करता हो जाएगा बॉल क्या हो जाएगा बॉल बॉल एक करता होता तो है उसका सहायक क्रिया वास बॉल वास नॉट प्लेड क्योंकि प्ले हमारा क्रिया है इसका वितरीय हो जाएगा प्लेड बॉल वाज नॉट प्लेड इन द मॉर्निंग बाय बोलिए अर्थर वी हम आपको पहले बताए होंगे कि हम चाहे तो वी या दे को बाई अस या बाई देम छोड़ भी सकते हैं आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं कोई आपको गलत करने वाला नहीं है ये आपके इच्छा पर है बाई अस लिख भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं ये अगर आपको डाउट होगा कि सर एग्जाम में कैसे हम सोल्व करेंगे तो ऑप्शन देखिएगा क्योंकि अगर ऑप्शन में बाई अस रहेगा तो चारों में रहेगा अगर बाई अस नहीं रहेगा तो खुदा कसम चारों में नहीं रहेगा तो अब बोलिए अफर्मेटिव नहीं करते क्लियर कोई डाउट बस प्रजेंट इंडिफेट की तरह है बस उसमें ईजयरता है इसमें वाजफेर हो जाएगा और उसके बाद नोट लगा दैट्स लास्ट तो हो जाएगा चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्नवाचक की दुनिया में किसकी दुनिया में प्रश्नवाचक तो अगर आप पहले ये जानना चाहेंगे सर प्रश्नवाचक होता क्या ये कौन पालतू पक्षी का नाम है कि पालतू जानवर का नाम है तो देखिए भाई आप क्वेश्चन बहुत जबरदस्त किए हैं कि सर आखिर वाट इज ये है क्या और याद रखिए जब तक से हम किसी चीज में डीप में जा करके क्वेश्चन नहीं करते हैं और उसका जवाब हम सही नहीं पा पाते हैं तो हम कंफ्यूजन में रहते हैं और कंफ्यूजन में क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है और जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है तो आपको जानकारी सही से नहीं हो पाता है इसलिए आप क्वेश्चन किसी है? और हर बातों को समझने का प्रयास कीजिए ओके तो चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्नवाचक की दुनिया में तो प्रश्नवाचक का भी वही स्ट्रक्चर है जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं जैसे एक बता दे रहे हैं एक हम सेंटेंस लिखते हैं क्या लिखते हैं हम एक सेंटेंस लिखते हैं डिड दे विन दिस मैच डिड दे विन दिस मैच एट नाइट ये आपका क्वेश्चन है क्या वे लोग रात में मैच जीत गए वे लोग जीत गए यहाँ पर आपको दिमाग में ओन लिखिए तो भैया ओन नहीं होगा क्योंकि अगर डीड लग गया अगर डू लग गया अगर डस लग गया तो ये पहला रूप होगा कौन सा रूप होगा ये डिस्क ब्रेक की तरह है ये डू डस डिड डिस्क ब्रेक की तरह ब्रेक लगा तो गाड़ी स्टॉप एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ना है ठीक तो ये डीड तो हम बनाएंगे पैसी बैस रूल सही चलते हैं क्यों अपना मन क्या करेंगे रूल क्या बोलता है सबसे पहले क्वेश्चन इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड है नहीं है छोड़ दीजिए क्या कर देंगे उसको छोड़ देंगे उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं या भैया वहाँ से अभी जिससे देखिए छोड़ने का मतलब का मान लिया अगर आपका भी आशादी है कोई आपका इम्पोर्टेंट बहुत ही खास व्यक्ति है उसको फोन करते हैं वो नहीं आता है वो आपसे भी खास आपको समझता है ठीक और वो उसका कहना है कि नहीं हमको लेने के लिए आओगे तब तो हम जाएंगे इसे हिलने वाले नहीं है तो क्या करोगे सब प्लान कैंसिल उसको छोड़ेंगे और हम अपना जो भी करना है अपना काम करेंगे क्योंकि क्या कहते हैं उसको मतलब कि जिम्मेदारी इज द मोस्ट ठीक आगे देखिए तो वही है कि जो क्वेश्चन वर्ड नहीं है छोड़ देंगे उसके बाद वाज या वे आर किसको देखकर तो न्यू सब्जेक्ट को देखकर नया करता है दिस मैच। नया करता क्या है दिस दिस मैच। मैच तो मैच, एक मैच की हम बात कर रहे हैं इसलिए हम स्टार्ट करेंगे वाज़। वाज, वाज। दिस मैच बोलिए क्या हो जाएगा वाज दिस मैच उसके बाद भी फ्री होगा ये दिमाग में रख लीजिए हम बोले हैं कि दुनिया बदल जाएगी सूरज पूरब से पश्चिम में उगना शुरू कर देगा लेकिन ये भी अपना रूल बदलने वाला नहीं है इसलिए मैच ओन ये यहीं पर लिख दीजिए एट नाइन बाई दे का लिख देंगे लास्ट में तीन बोलिए अगर बाई दे लिखेंगे तो चल जाएगा ठीक स्ट्रक्चर क्या बोलता है क्वेश्चन वाई अगर यही मान लीजिए हम लिख देंगे यहां पर वाई कि वाई दे विन दिस मैच वे लोग इस मैच को क्यों जीते या हाउ कैसे जीते हम क्या लिखते हैं यहां पर हाउ कैसे जीते तो हम कुछ नहीं करेंगे सबसे पहले लिख देंगे हाउ मतलब ये रहेगा तो लिख देंगे या नहीं रहेगा तो इसको टाटा बाय बाय बोल देंगे ये स्टेप समझाया उसके बाद वाजिया बेयर वाजिया यार न्यू सब्जेक्ट उसके बाद नॉट नॉट रहेगा तो लिखेंगे नहीं रहेगा तो उसको भी हटा देंगे जैसे इसमें दे देता कि डिड दे नॉट विन डीड दे नॉट और यह तो बहुत ही क्लियर है क्योंकि नॉट अफर्मेट मतलब कि एक्टिव वॉइस में भी कर्ता के बाद ही होता है और पैसिव वॉइस से भी जो नॉट होगा वो कर्ता के बाद होगा लेकिन कब जब आपका दिया गया सेंटेंस प्रश्न वाचक रहेगा हो गया उसके बाद एट नाइट अदरवर्ड है तो एट नाइट हम बाई के पाले भी लिख सकते हैं या बाई भी लिख सकते हैं तो अब तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको इंटरव्यूटिव में थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा जैसे करते करते जल्दी करते जैसे मान लीजिए